नमस्कार दोस्तों, भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पल्लवी राय। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूं। आपने आधुनिक भारत की कैसी तस्वीर देखी है? कहीं आपने मेरी ही तरह आधुनिक भारत की कोई ऐसी तस्वीर तो नहीं देखी जहां हर तरह की समानता हो, न जाति के आधार पर भेदभाव हो, न धर्म के आधार पर भेदभाव हो, न लिंग के आधार पर भेदभाव हो, जहाँ एक खुला तरीके का समाज हो, जहाँ हर बात पर बेड़ियों में जकड़ी लड़कियाँ ना हो, जहाँ कपड़े, काम और इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर लिंग का मोहर ना लगाया जाता हो। कहीं आपने मेरी तरह ऐसे भारत की तस्वीर देखी है तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक निराशाजनक होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने आए हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। हैदराबाद का एक कॉलेज है, सेंट क्रॉसेस गर्ल्स कॉलेज। इस कॉलेज में एक ड्रेस कोड लागू हुआ। ड्रेस कोड में कहा गया कि आपको फुल बाजू के कुर्तीज पहननी होंगी और उसमें ये कहा गया कि कुर्ती की जो लंबाई है वो घुटने के नीचे होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझी जा सकती थी कि हर कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, लेकिन उस ड्रेस कोड को लागू करने का कारण जो बताया गया वो बेहद शर्मनाक है, बड़ी ओछी बात है। कॉलेज की तरफ से ये कहा गया कि कुर्ती घुटने के नीचे लंबी इसलिए होनी चाहिए ताकि लड़कियों की जांग ना दिखे, क्योंकि अगर लड़कियों की जांग दिखेगी तो ये लड़कों को अट्रैक्टिव करेगी। और ये भी कहा गया कि अगर ऐसे कपड़े पहनेंगे तो लड़कियों के लिए शादी के अच्छे रिश्ते आएंगे। इस तरह की बेतुकी बात कर कर एक समाज, एक सभ्य समाज के लिए सवाल उठता है। आप मुझे बताइए, क्या कपड़ों के आधार पर ही लड़कियों पर बंदिश लगाई जाएगी? ये एक बार की घटना नहीं है। मैं आपको इसके आगे की बात बताऊंगी तो आप और चिंतित होंगे। इसमें आगे की बात ये है कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मेन गेट पर दो महिला कांस्टेबल को खड़ा किया जाता है और वो हर लड़की के कुर्ती को खींच खींच कर लंबाई नापती है। ये कितनी बेदुखी बात है आप खुद सोच सकते हैं। इस तरह का एक शैक्षिक संस्था में होना बर्दाश्त करने वाली बात है? आप मुझे ये बताइए, चाहे वो कोई भी शैक्षिक संस्था हो, अगर लड़कियों के कपड़े पहनने का एक ड्रेस कोड बनाया जाता है तो क्या अगर उस ड्रेस कोड को फॉलो करने के बाद भी अगर किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो क्या स्कूल प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा, कॉलेज प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर कॉलेज प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो उसको इस तरह के ड्रेस कोड बनाना और इस तरह का बेतुखा बयान दे देना कि अगर हम इस तरह का कपड़ा पहनेंगे तो लोग जो हैं उनकी गंदी नज़र हम पे नहीं पड़ेगी। मुझे यहाँ ये कहना चाहिए कि जिनकी गंदी नज़र है ना, वो बुरखे की औरतों को भी ताड़ लेते हैं। यहाँ ये बात समझना चाहिए कि लड़कियों पे इस तरह की बेवजह की बंदिशें लगाकर हम क्या दिखाना चाहते हैं। हमें तो ये नियम बनाना चाहिए कि लड़कियों को स्ट्रांग और मजबूत बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए, लेकिन जब ऐसी सोच रखकर लड़कियों को दबाया जाएगा तो यौन हिंसा और बढ़ेगी, क्योंकि लड़कियाँ अपने हक के लिए खड़ी ही नहीं हो पाएंगी। जब आप ऐसे कहेंगे कि इस तरह के कपड़े पहनने की वजह से लोग आकर्षित होते हैं, इस तरह का करने की वजह से लोग आकर्षित होते हैं, तो लड़कियां का मनोबल गिरता है और लड़कियां कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाएंगी। आप मुझे बताइए, मैं हर लड़की से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जा रही हैं और आपको कोई लड़का घूर रहा है तो आपका एक्शन क्या होगा? मुझे ये लगता है कि जो बच्चियाँ इस ऐसे शैक्षिक संस्थाओं से पढ़ के निकलेंगी उन्हें ये लगेगा कि लोग जो देख रहे होंगे वो मुझे गलत समझ रहे होंगे। मुझे यहाँ ये समझ नहीं आता कि अगर एक लड़का एक लड़की को घूर रहा है तो इसमें लड़की की क्या गलती है? इसमें गलती सरासर लड़के की है। वो पूरे समाज के नियमों और बंदिशों को तोड़कर किसी भी लड़की को गंदे तरीके से घूर ले तो कोई पाबंदिश नहीं, लेकिन अगर लड़का लड़की को ही देखता है तो लड़की पे ही क्यों उंगली उठाई जाती है? हर बार लड़की को ही क्यों बुरा बोला जाता है? हमारे समाज में इन चीज़ को लेकर कभी भी बराबरी नहीं आएगी। भले ही कह दिया जाए कि आज के आधुनिक भारत में लड़का लड़की बराबर है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो सारे नियम कानून धराशाही रह जाते हैं। यहाँ एक बात तो और समझ लीजिए, ये सिर्फ एक शैक्षिक संस्था की हालत होती तो शायद मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ता। BHU का नाम तो आप सबने सुना होगा। BHU के एक प्रोफेसर हैं, 2018 को जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी से एक टूर जाता है। इस टूर में बच्चों के साथ एक प्रोफेसर भी जाते हैं। ये टूर उड़ीसा जाता है और उनके साथ जो प्रोफेसर जाते हैं उनका नाम है शैल कुमार दुबे। ये बच्चों के साथ जाते हैं और उनके साथ भद्दे तरीके से बुरा बर्ताव करते हैं। लड़कियां कॉलेज आने के बाद कॉलेज प्रशासन से इस सब चीज़ को लेकर शिकायत करती है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस चीज़ को लेकर ढीली रहती है।
फिर लड़कियां खुद ही हड़ताल कर उस कॉलेज के प्रोफेसर यानी कि सैल कुमार चौबे जी को बर्खास्त किया जाता है। लड़कियां की यहां एक चीज समझी जाएगी कि वो लोग अपने हक के लिए आगे आती हैं, और उस मैं कहूंगी कि कितनी ओझी बात है कि एक कॉलेज के प्रोफेसर की इतनी गंदी सोच थी, उनको बर्खास्त कराती हैं। लेकिन अभी हाल ही में 7 जुलाई को उस प्रोफेसर को फिर से BHU में रख लिया गया, और ये कहा गया कि एक छोटी सी चेतावनी देकर उन्हें एक मौका और दिया जा रहा है सुधार करने का। मुझे ये बताइए कि कॉलेज हमारे भारत में प्रोफेसर्स की कमी है? ऐसे में जब लड़कियां अपने हक के लिए खड़ी होकर आवाज़ उठाती हैं और उनकी आवाज़ को ऐसे दबाया जाता है कि प्रोफेसर को बर्खास्त कर फिर लाया जाता है, तो क्या ये सही है? एक तो हमारे समाज में लड़कियों की और महिलाओं की स्थिति ऐसे ही खराब है, हर चीज़ में बंदिशें लगाई जाती हैं, उसके बाद भी जब लड़कियां अपने हक के लिए खड़ी होती हैं और ऐसे प्रोफेसर को बर्खास्त कराने के बाद उन्हें फिर से लाया जाता है, तो क्या ये सभ्य समाज के लिए क्या कहा जा सकता है? इसे क्या हम ऐसे ही समाज को आगे ले जाएंगे जहां लड़के और लड़कियों में भेद होगा और इस तरह की बंदिशें होंगी? मैं आपको यहाँ एक बात और आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, अभी हाल ही की घटना पर चिन्मयानंद की घटना भी इस वीडियो में इसलिए जुड़ी है क्योंकि ये भी एक शैक्षिक संस्था की ही बात है। एक कॉलेज में वकालत की पढ़ाई कर रही लड़की के साथ यौन हिंसा हो जाती है और उनके प्रबंधक भी ये सब करते हैं, और वो लड़की खुलेआम आकर फेसबुक पर वीडियो वायरल कर हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी FIR नहीं लिखी जाती है उसके लोकल एरिया में क्योंकि चिन्मयानंद का इतना खौफ है। क्या बड़े सत्ताधारी अगर लड़कियों का यौन शोषण करेंगे तो उनका FIR नहीं लिखा जाएगा? ये सिर्फ एक घटना होती तो मैं मान भी लेती, इससे पहले की घटना आपको याद ही होगी, इसके पहले की घटना तो आपको याद ही होगी, उसके बारे में आपको क्या ही कहूँ। लड़की के साथ रेप हुआ, उसने अपनी FIR लिखाने की कितनी कोशिश की लेकिन उसका FIR तक नहीं लिखा गया। बाद में लड़की 2 साल बाद जब योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने अपने आप को जिंदा जलाने की कोशिश करती है तब उसके FIR लिखा जाता है। FIR लिखने के बाद उसके पिताजी के साथ उसके पिताजी को जेल की हिरासत में ले जाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पूरे फैमिली को बर्बाद कर दिया गया BJP के विधायक के द्वारा, और आज भी उस चीज़ को लेकर जस्टिस नहीं हो पाया है। लड़की मर रही है हॉस्पिटल में लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे भारत की स्थिति है। हम कहते हैं कि हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं और आधुनिक भारत में सब कोई समान है। लड़कियां आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होती है और उसकी अध्यक्ष महिला होती हैं। एक तरफ महिला इतनी ऊंचाई पर पहुंच रही हैं, लेकिन आज भी उसी भारत में एक कोने में एक लड़की जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है और उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। यहाँ दोनों केस में सत्ता की तरफ से यही है कि लड़कियों के बलात्कार करने वालों को जब आप सपोर्ट करेंगे तो क्या लड़कियां आवाज़ उठा पाएंगी? यहाँ मेरा एक सीधा सा सवाल यही है कि जब ऐसे चीज़ों में त्वरित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो क्या लड़कियां ऐसे चीज़ों को लेकर आवाज़ उठा पाएंगी? ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होकर तुरंत न्याय देकर ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि लोगों को सबक मिल सके, सीख मिल सके। लेकिन हमारी सत्ता को कोई परवाह नहीं, ऐसे मामलों में वो सब सपोर्ट करने लगती हैं, चाहे चिन्मयानंद की बारी हो, चाहे उनके विधायक की बारी हो। चाहे जब ऐसे मामलों में आप सपोर्ट करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि आपका ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला सही है? आप चुनाव प्रचार में क्या कहे थे? आपने चुनाव प्रचार में कहा था कि महिलाओं के सम्मान में BJP मैदान में। कितना सम्मान हो रहा है इस बात को कहने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब देख रहे हैं। बहरहाल लास्ट तक मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारा ये जो सवाल है वो सत्ता तक पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।